बेटा तुम बड़े होकर तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? मैं दूसरे के घर जाऊंगा, चाय बिस्किट खाऊंगा और उसके बच्चों से पूछूंगा, बेटा बड़े होकर तुम क्या बनोगे? मामा मामा भूख लगी। ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतना घटिया मूंगफली काहे लाए थे? लायक कहीं का मामा का नाम लेता है? अरे रामलाल अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। बिटिया क्या है मम्मी, आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी, अगर होने वाली सास तुमसे पूछे कि बिटिया ससुराल में क्या क्या करोगी तो उसे बताना, घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी और समय मिलेगा तो पतिदेव के पुराने स्वेटर उधर कर फिर बिनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी और माँ जी आपके लिए बड़े गले के ब्लाउज काट कर फिर सिल दूंगी। ठीक है मम्मी, बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बिटिया बताओ शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? मैं घर में झाड़ फूक करूंगी और समय मिलेगा तो पतिदेव को उधर कर फिर बिनूंगी, ससुर जी को गरम तेल में तल दूंगी और आपका गला काट कर फिर सिल। अरे भाभी जी जानकर बहुत दुख हुआ कि भाई साहब मर गए। वैसे मरे कैसे? टीबी से मरे भैया। टीबी का तो इलाज है भाभी जी, आपने उनको डॉक्टर के नहीं दिखाया क्या? डॉक्टर को दिखाने को मौका ही नहीं मिला भैया। कहीं नहीं मिला, वो कैसे बताए भैया? हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, हम उनके खोपड़ी पर ले जाकर टीबी पटक दिए, वहीं उठे। आइल गर्मी के महीना बलम तनी हटके सोना, आयल गर्मी के महीना बलम तनी हटके सोना, टप टप चूहे पसीना बलम तनी हटके सोना, टप टप चूहे पसीना बलम तनी हटके सोना, आइल गर्मी के महीना बलम तनी हटके सोना। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भगवान? देखिए ना दामाद जी एक और खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे, मैंने शादी में पहले ही कहा था कि एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मेरे सुनते कहाँ हैं? तो हम अभी स्कूटर ऑर्डर कर दे रहे हैं ना। हाँ भैया हम आलू बोल रहे हैं, मेरे घर एक स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी अभी भी नहीं खा रहे हैं, ये कार भी मंगा लीजिए। हेलो भैया ये कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको और कुछ चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। हाँ जी दाल में नमक नहीं पड़ा है, नमक मंगा देती तो अच्छा रहता।